भाई यहाँ पे बन रहा है रोस्टेड मशरूम जो आपने शादियों में खाया होगा। यहाँ पे भैया कितने किलो मशरूम है? ये 5 किलो। 5 किलो है। और इसमें क्या डाला आपने? कलर डाला है? कलर डाला है पीला रंग का, लाल पीला दोनों मिक्स करके। और इसको उबालना है। थोड़ा नमक भी है? नमक भी है और सिरका भी है। सिरका भी है, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा नमक का। और कितनी देर उबालना है? इसको 15 मिनट उबालेंगे। 15 मिनट इसे उबालेंगे, ठीक है। तो ये है, इसको 15 मिनट उबालेंगे, जब नेक्स्ट स्टेप होगा वो आगे देखेंगे। चलिए इसको ढक देते हैं। और यहाँ पे देखो भाई आंधी शुरू हो गई है और दिन के 3:30 बज रहे हैं। तो भैया अब बताओ नेक्स्ट क्या है हमारा? ये तो उबल के आ चुके हैं बाहर, मशरूम उबल गई है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट मसाले बताइए। मसाले बता रहा हूँ जी, ये हम ले रहे हैं दही। दही, ठीक है। दही है ये 300 ग्राम। 300 ग्राम आपकी जाएगी दही? हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी, इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा 20 ग्राम गरम मसाला। 20 ग्राम आपका गरम मसाला। हाँ जी, ये अपना खुद का पीसा है भैया? खुद का जी, खुद का पीसा है। अदरवाइज हम MDH का बाहर मार्केट वाला यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, बाकी हमने खुद इसके अंदर डाल रहे हैं जी लाल कलर। लाल कलर ये ऑप्शनल है, अगर आप घर पे अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, पर शादी पार्टी में चलता है क्योंकि दिखने में अच्छा दिखने में अच्छा लगता है। अब इसके अंदर डाल रहे हैं जी हम थोड़ा सा अचार। तो ये भैया मिक्स अचार है? मिक्स अचार है जी। ठीक है, तो अचार का सिर्फ पल्प मतलब हो जाएगा अचार की? अचार के सिर्फ पानी पानी लेना है। पानी पानी, हाँ बाकी, हाँ ठीक है, पानी पानी लिया है। ये कितना होगा भैया? 3 चम्मच ये होगा? हाँ 3 चम्मच। 3 चम्मच होगा राउंड। अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ठंडा भी डाल सकते हैं भैया? हाँ ठंडा भी डाल सकते हो भैया, गरम डाल। हमारा गरम है। ठीक है, ठीक है। ये होगा आपका एक कड़छी अराउंड 50 ग्राम होगा भैया? 50 ग्राम होगा। 50 ग्राम अब डालेंगे इसके अंदर हम एक सफेद नमक। सफेद नमक डालेंगे, ये डालेंगे हम 10 ग्राम होगा। 10 ग्राम यानी कि 2 चम्मच अराउंड। 2 चम्मच, ठीक है। ये बन गया इसका मसाला, ये बना लिया मसाला। तो भैया इसके अलावा भी और कुछ डालेगा? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं डलेगा, अभी कुछ नहीं डलेगा। अच्छा, तो कोई घर पे और स्वाद लेना चाहता है कुछ डाल सकता है इसमें और भी कुछ? हाँ डाल सकता है, जो आप जैसे स्वाद के अनुसार है। अमचूर पाउडर? अमचूर पाउडर डाल, अमचूर पाउडर नहीं डलेगा। चाट मसाला? चाट मसाला भी नहीं डलेगा। ठीक है, तो आप ऊपर से डलेगा चाट मसाला। आप बताइए फिर और इसमें क्या डाल सकते हैं? ऊपर से ही डलेगा, इसके अंदर नहीं डलेगा चाट मसाला। जैसे आपने इसमें तो जो जो बनाया वो तो हो गया। हाँ, अलग से कुछ और कुछ डालना चाहे तो क्रीम डाल सकते हैं। क्रीम डाल सकते हैं, डालो, मक्खन डाल सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर। ठीक है, वही पूछ रहा था मैं, कोई घर पे एक्स्ट्रा बनाना चाहे और टेस्ट के लिए तो क्रीम बटर भी डाल सकते हैं। हाँ, क्रीम बटर ये डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये बनके रेडी हो गया। ये इसमें डाल डालेंगे हम मशरूम। सारा जाएगा भैया? सारा जाएगा भैया। ठीक है, ये इतने मशरूम के हिसाब से मशरूम है जी? ये 5 सेकने के लिए टाइम पे जब मक्खन लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। ये 5 किलो मशरूम है जी। 5 किलो मशरूम के हिसाब से ये हाँ जी बनेगा। तो चलिए भैया को इसको डालने देते हैं, फिर जब मिलाएंगे तब देखेंगे, और फिर जब नेक्स्ट स्टेप होगा फिर वो आगे देखेंगे। जब आप इसको डालेंगे ना तो मेक श्योर कि इसका पानी निकाल देना, निचोड़ के डालना, निचोड़ के डालना, क्योंकि फिर ये गीला गीला था ज़्यादा हो जाएगा। अदरक मिर्ची का, ठीक है, ये अदरक मिर्च का पेस्ट है, ये जाएगा आपका। अच्छा, लहसुन अदरक मिर्ची सारा मिक्स है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। ये कितना जाएगा भैया? 3-4 चम्मच? हाँ 3-4 चम्मच। 3-4 चम्मच आपने अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालना है, सारी इक्वल क्वांटिटी में ले लेना और इसको पीस देना। इसको पीस देना, बाकी अब इसको अच्छे से मिलाना है। मिलाना अब इसको मिला के भैया रख देंगे। अब जब काउंटर में जाएंगे, हाँ जी, तब सीखेगा ये। जब सीखेगा, ठीक है, तब तक बना के इसको ऐसे रख देना। ऐसे ही रख देंगे ये। चलिए ठीक है, फिर भी भैया ऐसे इसको बना के रखना भी होता किसी को अगर सीधा ही बनाना हो? अभी अभी बनाना हो तो बन जाएगा। बन जाएगा, हाँ जी। पर लेकिन अगर इसको रखेंगे सामान थोड़े तो 1 घंटे तक रखोगे और अच्छा बनेगा। और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो 1 घंटे तक मेक श्योर कि अगर आपको जल्दी खाना है तो आप उसी वक्त बना सकते हैं, अदरवाइज 1 घंटे इसको मैरिनेट होने देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, तो चलिए इसको होने देते हैं, फिर जब काउंटर पे चलेंगे वहाँ देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो भाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मशरूम लग रहे हैं ये सीख में, ठीक है। और यहाँ पे भट्टी, ये ग्रिल जिसे कहते हैं ना, बारबेक्यू ग्रिल, ये रेडी हो चुका है। वहाँ पे पनीर टिक्का है, उसकी भी रेसिपी आने वाली होगी या आ चुकी होगी, चैनल पे देख लेना। तो मशरूम हम देख रहे थे, मशरूम टिक्का ही भी है जी? मशरूम मसाला, मशरूम मसाला टिक्का, हाँ ठीक है, मशरूम मसाला टिक्का। तो चलिए पहले ऐसे इनको सीख में लगाने देते हैं, जब उसमें सेकेंगे तब देखेंगे। तो भाई यहाँ पे देख लो, इसको लगा दिया है ग्रिल में। कितना टाइम लगेगा भैया? 5 मिनट। 5 मिनट लेगा भैया, ठीक है। तो ऐसे पलटते रहना बार बार, इसे कंटिन्यू 5 मिनट से पलट पलट के आपने इसको पकाना है। तो घर पे आपके होगा ना सिगड़ी जिसे कहते हैं, या ग्रिल होगी छोटी सी, उसमें आपको पकाना पड़ेगा। ये गैस में भी कर सकते हैं इसको घर पे? हाँ गैस में भी कर सकते हैं आप, ऐसे बस स्टिक ऐसी होनी चाहिए लोहे की। तो चलिए इसको होने देते हैं, जब ये पक्के रेडी हो जाएगा तब आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देख लो, हमारे मशरूम हो चुके हैं यहाँ पे।
अब आपने कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बटर डालना है, नींबू डालना है, चाट मसाला मार के चाट मसाला मार के दे देना है बस। ये लो भाई शादी वाला मशरूम टिक्का, मशरूम मसाला टिक्का, ये बनके रेडी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते रहे वीडियो में, थैंक यू सो मच।